वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। अज दा गुरबाणी कथा विचार दा विषय कि घर दी धी रोजाना ए एक पाठ रोज़ दोपहर करे, दिना विच किस्मत चमकेगी ते मन दी हर इच्छा ते हर मनोकामना पूरी होएगी। हमरी करो हाथ दे रचा, पूरन होए चित की इच्छा। आपां सब बहुत सुपने देखदे आं, पर पूरे ते सच कुछ कोई हुंदे ने। पर जेकर आपां रोज़ एक गुरबाणी दा पाठ या जाप करदे आं तां सब मन दीआं इच्छावां ते मनोकामनावां पूरियां होणगीआं। जो भी मनुख दी जिंदगी विच मुश्किलां ने, अड़चना ने, रुकावटां आउंदियां ने, उह सब खत्म हो के सब पासे तो सुख ते शांति दा ही घर ते कारोबार विच वाधा होवेगा। आपां सब कह दिंदे आं जी मैं ये काम करना या फिर मेरी ये इच्छा, मैं इसनों पूरा करन लई उद्यम तां करना चाहुंना, पर पता नहीं क्यों वो काम मैं कर ही नहीं पाउंदा। आपां जदों भी कदे कोई चंगा काम करना होवे, किसी भी काम की शुरुआत करनी होवे, तां हमेशा कई रुकावट आउंदियां ने। पहला चित भी साथ नहीं देंदा ते कई बार जिहड़ी देह है ये भी साथ नहीं देंदी, ते ये मन दी ही सारी अपने दी खेड है। जे आपां सवेरे उठण समय 5 बजे मन नूं समझा लिया कि गुरु नानक पातशाह ने इस समय मेरियां झोलियां खुशियां नाल भर देनियां ने, घर रिजक बरकत दा वासा हो जाणा, जवाक सियाणी मत दे होणगे, बस मन नूं जिसने ये समझा लिया, अद्धा पेंडा तां आपे अपने लक्ष्य तक पहुँचण लई आपां तय कर लिया। कई अपने विचों जवाकां दे सवेर दे रुझेवें या काम दे रुझेवें कारण अमृत वेला नहीं संभाल पाउंदे। उह दोपहर नूं 12 कु बजे लगभग जदों समा हुंदा उस समा अपना पक्का कर लवो। उस समय रोज़ एक पाठ चौपाई साहब ते 6 अष्टपदियां नाल सुखमणी साहब जी दियां करो, पूरा एकागर चित होके करो ते अरदास कर जो भी दात मंगदे आ पातशाह पूरन करदे ने। उस समय वाहिगुरु तो अमृत वेले दी दात जरूर मंगो। इस तरह गुरु नानक पातशाह जी, गुरु अंगद देव जी, दसम पिता जरूर बाँह फड़नगे, क्योंकि जिस दी बाँह उन्हां फड़ ली फिर किसी भी चीज़ की तोट नहीं आनी। बच्चों नूं आपां सब रब दा रूप कहने आ ते वो हुंदे भी ने, क्योंकि वो दुनिया के छल कपड़ तो निर्लेप हुंदे ने, साधु संतां वांग हुंदे ने ते जवाकां दी रब सुणदे भी छेती ने। इसलिए बच्चे जदों स्कूल तो आ जाण, प्रशादा पाणी छका, इशनान करा, उन्हां नूं जरूर चौपाई साहब दा पाठ करन लई प्रेरो। इस तरह एक तां वह गुरबाणी नाल जुड़ जाणगे, दूजा ये बच्चों सुरक्षा ते चंगी बुद्धि देगा जिस नाल भविख उज्जवल होवेगा। ये बाणी अंदर शरीर दे जिन्ने भी ते बाहर दे वैर विरोध वो सब नूं खत्म कर देगी। ये बच्चों दे आत्मविश्वास नूं इन्ना वधा के, उत्साह वधा के ते उद्यम दी दात बख्शेगी ये गुरबाणी। जो बच्चे दा हर वक्त जिवें स्कूल दे काम तो या घर दे काम तो ना नुकर करना, हर समय टाल दे रहना, बिना गल तो डिगू डिगू करदे ने, वो आपे वाहिगुरु उन्हां नूं उद्यम दी दात देणगे ते हर काम वो फतेह भी करनगे। आपां जदों चौपाई साहब दी बाणी पढ़दे आं विच पंक्ति आउंदी है, मन बाछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई, दुख दर्द पो निकट न तिन नरक के रहे, हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे। इत्थे जिहड़ा याकी शब्द है ये अरेबिक, जे शब्द का भाव है यकीन। दुख दर्द उस मनुख कोल नहीं आउंदे जो चौपाई साहब की बाणी पढ़दा, क्योंकि मन विच वैर विरोध द्वैश की भावना खत्म हो सिर्फ प्यार वास्ते। आपां हर पासे चंगा वेखदे आं ते सोचदे आं, फिर ना तन नूं रोग ते ना मन नूं, ते ना फिर चिंतावां ते ना मानसिक रोग। जदों आपां ये पाठ करदे आं, पाठ करन उपरंत जदों आपां अरदास करदे आं तां गुरु नानक पातशाह जी, दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लै, अंदर इन्ना विश्वास मनुख दे पैदा हो जाता है, उस दे नाल इन्नी ताकत भर जाती है जो हर काम विच फिर मेहनत ते उद्यम ते लगन सदका फतेह प्राप्त हुंदी है। चौपाई साहब की बाणी तुहाडे अंदर दे सच की ताकत तुहानू दिंदी है। जेकर तुसी विश्वास नाल पाठ करदे हो तां ताकत भी प्रतक हुंदी है।
इस लिए ये पाठ अमृत वेले पंज बाणियां नाल भी किया जाता है ते शाम समय रहराज साहब दे जदों पाठ हुंदा है कीर्तन सोहले का पाठ हुंदा है ते उहदे नाल भी किया जाता है। आपां जदों पाठ करते हैं तां पाठ नूं हमेशा ये समझ के करो कि पातशाह मेरे कोल बैठ के सरवण कर रहे ने ते अरदास समय जदों मैं उन्हां नाल गलबात करनी है तां उन्हां सब दुख हर लैणे ने। इसलिए अपने बच्चों नूं भी ये पाठ करने लई प्रेरो ते आप ये पाठ करो। चौपाई साहब की बाणी का पाठ कोई ये धार के कर ले भी मैं इन्ने पाठ रोज़ करांगा। एक दिन आउंदा है उन्हूं नाम भी मिठा लगन लग जांदा है, ओह अंधेरे विचों निकल के ज्ञान वाल हो जांदा है। चौपाई साहब जी की बाणी विच इन्नी ताकत है कि कोई दुख दर्द उहदे नेड़े नहीं आउंदा। ओ जो कहिंदे ना मैं साडे घर इस तरह हो रहा है कलेश है कईयां दे कई कहिंदा भी टूने हो रहे ने कई तरह परेशानियां आ रही ने परिवार विच झगड़े हो रहे ने साडे बच्चों का विआह नहीं हो रहा या कोई बरकत नहीं हो रही रिजक साडा एवें जाई जा रहा है घर विच किसी तरह का कोई भी कलेश होवे तां पातशाह कहिंदे चौपाई साहब का पाठ कर लो। चौपाई साहब साडे कोल ऐसा खजाना है कि जिस दे नाल सानू सब कुछ प्राप्त हो सकदा है। नेड़े त्रेड़े कोई भी जो भैड़ी चीज़ है वह मनुख के नेड़े नहीं आएगी। जिन्हों को बाणी का धन है ना फिर वह कभी भी उन्होंने किसी चीज़ का भी भय नहीं होंदा। घर में कोई मुसीबत आ जाए तो लोग कहें भी हाँ फलाने को चल वो तो तेन पूरी सलाह मिलेगी तो तेरा काम भी हो जाएगा। पर गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं भी जो एवें का समा आ जाए ना तो तू निरपो हो क्योंकि तेरे को बाणी का खजाना है ते उहदे नेड़े जिहदे कोल बाणी दा खजाना है उहदे नेड़े इहो जी कोई शै नहीं आउंदी। जिस दे कोल चौपाई साहब दी बाणी है ना उहदे नेड़े कोई परेशानी नहीं आउंदी। फिर आओ चौपाई साहब दे लड़ लगीए। जिवें इस्त्री तों बिना मनुख जन्म नहीं लै सकदा इस्त्री दी कुखों ही जन्म लैंदा है। इसे तरीके नाल जे आपां केस रख लए पंज बाणियां दा जाप करन लग पए अमृत छकदे आं तां ही असीं सिख बणदे आं इस कुख तों असीं सिख बणदे आं। जे अमृत वेले असी पंज बाणियां दा पाठ ही ना करिए तां असी फिर अपनी जन्म देण वाली मां तों ही बेमुख हो गए हां। फिर तां असी अजे जम्मे ही नहीं फिर तां असी अजे जन्म ही नहीं लिया सिख ही नहीं बने असी अजे एवें ही भुले पटके दौड़ लगाई जा रहे हां। ऐसे लोग जो अंधविश्वास पिछे भजे फिरदे ने उन्हां नूं इस जहान विच किते टोई नहीं मिलदी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चौपाई साहिब दे विच हुक्म करदे ने फरमाउंदे ने बेनती करदे ने हे परमात्मा साडी रक्षा करो अते साडे मन दीआं सारीआं इच्छावां पूर्ण कर दिओ। गुरु जी कहिंदे ने मेरा मन वाहिगुरू जी तुहाडे चरणां विच जुड़िया रहे अते अपना सेवक समझ के मेरी पालना करो वाहिगुरू जी मेरा ध्यान रखो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
हे वाहिगुरु तुसी सारे लोग परलोक नु साजिया है असी तुहानू नमस्कार करदे हां। हे अकाल पुरख तुसी आरंभ तो अंत तक समाये हुए हो, तुसी ही साडे गुरु हो, तुसी सानू इना सुख प्रदान कीता है, तुसी साडे शरीर दे हर भाग विच वसे होए हो अते साडे मन दीयां जानदे हो। कीड़ी तो लैके हाथी तक वेल तक सब दी रख्या परमात्मा तुसी करदे हो। अजय जीव जिन्हां नू असी वेख्या तक नहीं, जिन्हां दी सानू पहचान तक नहीं, परमात्मा तुसी उन्हां नू भोजन भी प्रदान करदे हो, उन्हां दे साह भी चलदे रखदे हो, उन्हां दी रख्या भी करदे हो। सो साडे उत्ते भी मेहर भरिया हथ रखो परमात्मा जी। वाहिगुरु जी कदे भी असी दुखी हो जाने तो सानू सुखां दा रस्ता विखाओ। साडे मन विचों कदे भी साडा मन डगमगाउंदा है तो साडी आस्था तुहाडे उत्ते होर ज्यादा हो जावे।